नमस्कार दोस्तों, बर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहाँ तक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आया, जिस प्रॉब्लम को मुझे लेना इम्पॉर्टेंट लग रहा है और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम को मुझे अभी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम आपका 11th ऑक्ट में है, और आई थिंक आपका 10 को शायद सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, मालूम है मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्लियर करोगे ये बात। बहुत बच्चों ने कहा कि सर एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो इसके लिए मैंने भी अपना लगाया और मैंने बोर्ड से बात करने की कोशिश की। तो जब मैंने बोर्ड से बात की और मैंने उन्हें कहा देखिए ऐसा ऐसा इशू है कि बच्चे का समस्या हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये डिसीजन SBTE के साथ मिल के लिया गया है। जो आपका BCEC के बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने SBTE के साथ कंबाइन करके मीटिंग करके ये डिसीजन लिया है। और उनका कहना है कि अगर एग्ज़ाम अभी नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में शिफ्ट होना करना पड़ेगा, मतलब कि एग्ज़ाम आपका इलेक्शन के बाद होगा। आप ऐसा समझो कि इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो ये बात की बात है, मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मेरे को आप मैसेज करोगे और प्रॉपर वैलिड प्रूफ के साथ मैसेज करोगे कि सर ये देखिए ये मेरा पॉलिटेक्निक वाला एग्जाम सेंटर है और ये मेरा बी जहाँ पे लेटर का एग्जाम सेंटर दिया है वो है, इस दोनों के बीच की दूरी और हम इतने टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं और ट्रैवल नहीं करता है। दोस्तों अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो हम बिल्कुल इस प्रॉब्लम को आगे ले जाएंगे और देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम ना हो आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको अगर लग रहा है कि आप एडजस्ट कर लोगे, मतलब आपका हमको जो बताया गया कि 11 बजे से 1 बजे तक आप लोग का सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है आई थिंक, और सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आप चाहो तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच सकते हो, आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंचोगे, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करो। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, पहला चीज़। दूसरी बात कि उनका भी कहना सही है कि अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो फिर इलेक्शन के बाद चला जाएगा एग्ज़ाम, तो ये लेना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम। तो गाइस अगर किसी भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा मत समझना कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप इस हमेशा हमेशा इस बात को रखना, ठीक ना। और देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे हो सकता है ना। अगर प्रॉब्लम, अगर बच्चा एक भी एग्ज़ाम देने से छूट रहा होगा, अगर हम ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम सब बच्चे 11 को दे दो, लेकिन अगर 11 को एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है बच्चों का, बच्चों को रियल में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और आप बिल्कुल हमारे साथ हो और मैं आपके साथ हूँ। इस चीज़ को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। बच्चे बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करते हैं और उस बच्चे का अगर एग्ज़ाम छूट जाता है तो क्या पेन होता है वो हमें पता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो सो गाइस वी होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। एडमिट कार्ड पे जो डेट आया है, आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, दोनों के साथ आप कंबाइन करो, 2 मिनट आराम से सोचो क्या ये पॉसिबल है। अगर लगता है ये पॉसिबल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हाँ पॉसिबल है, ट्राई करना पॉसिबल हो जाए। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मान लेते हैं कि मेरा 1 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है वहाँ पे डिस्टेंस इतना दूर है कि मैं कल सुबह तक भी नहीं पहुँच सकता हूँ, अगर ऐसा केस होगा तो हम प्लीज़ इस बात को हम इस बोर्ड तक लेके जाएंगे। और बोर्ड तक बातों को तभी रख सकते हैं जब हमारे पास वैलिड प्रूफ हो, क्योंकि बोर्ड ने मुझे कहा कि आप मेरे को वैलिड प्रूफ दो कि आपके पास क्या वैलिड प्रूफ है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर मेरे को वैलिड प्रूफ मिल जाता है तो मैं आपको देता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आप मेरे को वैलिड प्रूफ दोगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो गाइस आपको, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट समझोगे, और अगर आपको प्रूफ है, आपको वैलिड प्रूफ है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में करो कि हाँ सर मैं दे सकता हूँ और इंस्टाग्राम पे आके मेरे को वैलिड प्रूफ दो, फिर इस बात को हम आगे ले चलते हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये ग्रुप और ये जो इतना बड़ा हमारा फैमिली है वो फैमिली यूट्यूब की फैमिली नहीं है, ट्रस्ट करना। हमने यूट्यूब के लिए फैमिली नहीं बनाया है, हमारा इंटरनल कनेक्शन है आपके साथ, क्योंकि हमको पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को देखे हैं। और जो इंसान अपनी उस प्रॉब्लम को देखता है वो उसको पता होता है कि उस बच्चे जो उधर उस साइड है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। और अगर इस केस में भी हम आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपको फिर मेरे से जुड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस सो प्लीज़ आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मैं कमेंट का वेट करता हूँ एंड देखते हैं एग्ज़ाम का क्या होता है। सो बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।